हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, इतनी रात को मैं रेडी हूँ। अभी रात के बज रहे 11:30 और सडनली आज हमारा इवनिंग में प्लान हो गया कि चलो साईं बाबा के दर्शन करके आते हैं। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पूरी फैमिली अभी हम जा रहे हैं रात को साईं बाबा के दर्शन के लिए। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हमको दर्शन मिल जाएगा, इसलिए अभी रात को निकल रहे हैं। तो ये कुछ भी प्लानिंग नहीं था। बोलते हैं ना कि जिसके नसीब में रहता है भगवान के दर्शन, तो वैसे ही शिरडी साईं बाबा का एक है कि जब तक उनका बुलावा नहीं आता तब तक आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। लास्ट 1 ईयर से वी आर प्लानिंग अबाउट दैट कि हम जाए दर्शन को उनके। तो फाइनली आज वो दिन आया है कि हम साईं बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ये मतलब बोलते हैं ना, मैंने मेरे बाबू के बीमार होने के टाइम पे मन्नत मांगा था, स्पेशली मेरी लूसी के बीमार होने के टाइम पे, कि वो ठीक हो जाएगी तो हम साईं बाबा के दर्शन करने आएंगे। तो आज उसको ठीक होके 6 महीने से ज्यादा हो गया, बट हम साईं बाबा के दर्शन ही नहीं कर पा रहे क्योंकि उनका बुलावा ही नहीं आया था। तो फाइनली वी आर गोइंग टूडे, सो लेट्स जर्नी स्टार्टेड। बच्चा पार्टी बाय बाय, नाउ वी आर रेडी फॉर टूर। और मेरी बच्चा पार्टी मुझे बहुत मिस करने वाली है। हाँ बाय बाय, मेरे पास अभी खाओ नहीं है ना, कुछ नहीं है। और ये मेरी गाड़ी रेडी हो रही है जाने के लिए। लूसी पहले ही जाके बैठ गई है क्योंकि लूसी को बहुत ज्यादा घाई मची है। सुबह से वो लड़की ने किसी को घर पे आराम नहीं करने दिया है कि घूमी जाना है। मतलब उसको एक वर्ड बोल दिया ना, प्रॉपर घूमी जाना है, तो घूमी जाने के नाम पे वो पागल है। फिर वो तो आप जो बोलो वो कर डालेगी। पहले तो घूमी जाने के नाम पे वो पहले वॉशरूम में जाती है, बाथरूम करती है, उसके बाद रेडी हो जाती है। देखो सबके सब, मतलब ये लोग सब, मेरा एक अलग अटैचमेंट है तो ये सबके सब देखो रेडी है। मेरी बड़ी सब एक्चुअली कहीं जाना रहेगा तो घर में झगड़े इतने हो जाते हैं सबके, तुतुमे में तो वही अभी लिटरली हो रहा था यहाँ पे। तो सब फाइनली हो गया, डैडी घर को लॉक कर रहे और हम निकल रहे हैं। तो बड़ी राती जर्नी नाउ स्टार्टेड। हम लोग निकल चुके हैं अब शिरडी जाने के लिए। तो मजा मस्ती चालू है और लूसी ने अपनी विंडो सीट पकड़ ली है, जो कि वो किसी को देने वाली नहीं है। मस्त वो आगे बैठ गई है। बोलते हैं ना घर में छोटे बच्चे सबसे पीछे बैठते हैं, तो हम दोनों बेचारे छोटे और सबसे पीछे। हाँ मतलब तू सबसे छोटा, तेरे पास मेरा नंबर, तो अभी हम लोग को पीछे बैठना पड़ेगा। नो ऑप्शन। सबसे बड़े मतलब हमारे घर में कुत्ते लोग है ना हमारे, तो लूसी और डेविड वो लोग सबसे बड़े हैं, महाराजा महारानी। ना रे बाबा, कुत्ता मतलब मैं उसको गाली थोड़ी दी यार, कुत्ता गाली नहीं होता यार, कुत्ता मतलब उनके जैसा किसी का नेचर नहीं है, ट्रू लव। चलो गाइस आगे जाने स्टार्ट करती। गाइस आई डोंट नो व्हाई बट बहुत ज्यादा ट्रैफिक लग गई हमको यहीं से। अभी तो जर्नी बहुत बाकी है, ट्रैफिक मतलब बहुत ज्यादा जाम है। मेरे को तो नहीं लगा, मेरे को ऐसा लग रहा है किसी ने ठोका भी करेगा रात को। एक्चुअली हाईवे पे एक्सीडेंट बहुत होता है। सो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हाईवे पे बहुत सावधानी से गाड़ी चलाइए। एक गाड़ी रिटर्न जा रही है, आई डोंट नो क्यों जा रही है, देख रहे हो आप मेरे पीछे दिख रहा होगा, रॉन्ग साइड से वो भी जा रही है। गॉड नो सर, बहुत ह्यूज ट्रैफिक है। चलो जर्नी की स्टार्टिंग ही ट्रैफिक के साथ हुई है, वो भी इतनी रात को। रात के बज रहे मेरे ख्याल से अराउंड 12:30 हो रहे होंगे ना, 12:30 बजे रात के, इतनी ट्रैफिक है आप सोचो, मतलब हमारे यहाँ का कुछ नहीं हो सकता। बहुत गंदा ट्रैफिक लगा हुआ है, पता नहीं क्या रीजन है, अब आगे जाके पता चलेगा ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है इतना। अरे कोई तो ठोका रहेगा रात को। हेलो गाइस, ये है इंडियन जुगाड़, हमने फ्लैश लाइट लगा के वीडियो को किया है रिकॉर्ड। अभी रात के बज रहे हैं पौने दो, रात के बज रहे हैं पौने दो, जो होता है होने दो। अभी आगे नहीं, अभी हम जा रहे हैं कसारा घाट पर पहुंचे, और हमारा जो ड्राइवर है वो पायलट मैन मतलब वो गाड़ी उड़ा डालेगा आज, एकदम सही चला रहा है। और हम चले कहाँ चले, ये गाना गा दो ना यार, मेरे घर के सामने साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलू तो तेरे दर्शन हो जाए। प्रॉपर घाट स्टार्ट हो चुका है, ये लोग घाट को एंजॉय कर रहे हैं और मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरा ये डेली का रूट है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेली का नहीं, मंथली एक बार आती है। हाँ तो मंथली एक बार आना, क्या घाट को कोई एंजॉय करता है, मेरे को नेचुरल प्लेस बिल्कुल पसंद नहीं है, बिकॉज मैं पक गई हूँ जा जा के, पसंद नहीं आता। ठीक है यार गाइस, बहुत ज्यादा मूड ऑफ हो गया। अभी हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे और सडनली इगतपुरी में हमारी गाड़ी बंद हो गई। लास्ट 1 आवर से गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी, यहाँ वहाँ बहुत जगह कॉल किया, फिर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि रात के अभी बज रहे 3,
कुछ सॉल्यूशन ही नहीं समझ पा रहा है। तो अभी साई बाबा का नाम लेके कैसे तो पिकअप हुई है, अब हम बस मैकेनिक्स को ढूंढ रहे कि कोई भी रात को मिल जाए और गाड़ी हमको बना के दे दे, अदरवाइज हम क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक घंटा ऑन हाईवे निकाला है, फैमिली को सबको तकलीफ हो रही है ना, जर्नी में कुछ ना कुछ दिक्कत मुझे घर से ही मिल रही थी और फाइनली अब ज्यादा हो गई है। प्लीज होप सो कि गाड़ी ठीक ठाक चले। अभी कुछ सॉल्यूशन तो मिला नहीं है, हाईवे पे ही रुके हुए हैं। अभी भाई गया है देखने के लिए कि कोई हेल्प कर दे हमको, तो होप सो कोई हेल्प कर दे ताकि हम आगे जा सकें, नहीं तो पूरी रात मुझे ये तो हाईवे पे नहीं बितानी है। सो सबके सब एकदम डरे हुए हैं, पूरी ट्रिप की वाट लग गई है, अच्छी खासे चेहरे देखो गिर चुके हैं, बस कोई तो हेल्प कर दे। गाड़ी से निकल आ चुकी हूँ बाहर और ये हाईवे है सुनसान जहाँ पे बज रहे हैं रात के 3, तो 3 नहीं 3:30 हो गए रहेंगे मेरे ख्याल से। तो अभी हम वेट कर रहे हैं मैकेनिक्स का, क्योंकि मैकेनिक आया नहीं है, वो सोया हुआ था बेचारा, उसको घर से उठा के बुलाया गया है कि भाई आ जा, हम गरीबों की हेल्प कर दे, हमारी गाड़ी ने धोखा दे दिया। इस धोखेबाज को मैं कभी भूलूंगी नहीं, इसने बहुत गंदा धोखा दिया, धोखेबाज है ऐसा। सुबह देखा था सब ठीक ठाक था, यू नो गाइस आज सुबह मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से मतलब गई थी बाहर, काफी दूर किलोमीटर गई रहूंगी, एक 50-60 किलोमीटर में एक साइड का था ट्रैवलिंग, मतलब 60-60 मतलब 150 किलोमीटर या 200 किलोमीटर मैंने सुबह गाड़ी चलाई, गाड़ी एकदम टिप टॉप चल रही थी और सडनली अभी गाड़ी ने ये हालत कर दिया यार, सब थक गए। इन लोगों को जाने दो, इन लोगों का थकना ठीक है, लेकिन मेरे लूसी और डेलविन तो अंदर पूरी तरह से बोर हो गए, मेरे बच्चों को मतलब रात को सोने को भी नहीं मिला और इतना हेक्टिक ट्रैवलिंग हुआ। अभी आपको मैं दिखा दूं, वहां पे देखो मेरे पीछे दिख रहा होगा, दैट इज इगतपुरी टोल नाका, और हम लोग ने गाड़ी को कैसे तो घसीट घसीट के यहाँ तक लाया है, धक्का विक्का मार के लाया है, ऐसा ऐसा पुश कर करके लाया है। तो अभी ये गाड़ी बस बन जाए, बस बन जाए, प्लीज यार प्रे कीजिए आप। आज का ब्लॉग मैं यही खत्म करूंगी, नेक्स्ट ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी शिरडी दर्शन के लिए। साई बाबा ने बुलाया तो था लेकिन बहुत कष्ट से बुलाया था, मेरे ख्याल से कुछ तो कमी हुई रहेगी, इसलिए इतने कष्ट के साथ हम बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो प्लीज वॉच अवर 2 पार्ट, सेकेंड पार्ट हमारी गाड़ी बनती कि नहीं बनती वो आपको सेकेंड पार्ट में पता चले।